हाँ जी जी ट्रेलर को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और हमें उम्मीद है फिल्म को भी उतनी ही पसंद करेंगे। मेरा तो बड़ा छोटा सा रोल है, गेस्ट कह सकते हो। संजय भैया की फिल्म थी तो जैसे न्यूटन में उनका छोटा सा पार्ट था, वैसे ही उनकी फिल्म में मैं वापस छोटा पार्ट कर रहा हूँ। बट हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, कहानी को मूव करता है वो कैरेक्टर, बहुत प्यारा है, इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए भी नया है ऐसा, मैंने कुछ रोमांस वोमांस किया नहीं था तो वो अच्छी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा अनुभव रहा है। हरीश जी बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट है, पारिवारिक फिल्म है, पूरा फैमिली साथ बैठ के देख सकती है, तो होपफुली कल से लोग देखेंगे, उन्हें पसंद आएगी। हाँ, उन्होंने डायरेक्टर को बोला पंकज को बुला लो, डायरेक्टर बोला संजय जी ने बोला है, मैंने कहानी भी नहीं सुनी, मैं बोला चलिए करते हैं, आप डेट बता दो। तो बाप मुश्किल 4 दिन गया था बनारस, 4 दिन में मैं अपना पार्ट करके आ गया। हेलो रितेश सर, ये बताइए एक सवाल आपसे है कि नेशनल अवार्ड आपको मिला, हाँ, लेकिन जो हाइप क्रिएट की गई थी वो राजकुमार राव की क्रिएट की गई थी, उसके पहले आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को? नेशनल अवार्ड में आते आते आपको अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर, उसमें नॉमिनेटेड, तो राजकुमार राव को जिस तरह का प्रमोशन उसके पहले मिला था उसके बारे में कुछ कहना? मैं क्या कहना चाहूँगा, मतलब इसमें मेरे बस की बात नहीं है। देखो दोस्त, असल ये भी होता है ना कि लोगों के दिल में बसना बड़ी मुश्किल का काम है, तो लोग अगर आपको प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं ना आप, वो अलग खेल है। तो मुझे लोग मोहब्बत करने लगे हैं, मुझे इसका अनुमान अब होने लगा है, तो मैं सिंसियर हो गया हूँ। अवार्ड मिलना ना मिलना, हाँ नेशनल अवार्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो कोई कंपनी नहीं देती है, किसी प्राइवेट सेक्टर का वो अवार्ड नहीं है, वो देश का दिया हुआ अवार्ड है, तो वो इसलिए उसकी महत्वपूर्ण और उसकी उसका सम्मान ज़्यादा हो जाता है। बाकी सारे अवार्ड तो कोई ना कोई संस्था कंपनी, किसी में कुछ स्पॉन्सर्ड होते हैं, किसी में गाड़ी कंपनी होती है, किसी में कुटुका कंपनी होती है, वो खास है क्योंकि वो देश देता है, वो किसी कंपनी और संस्था का नहीं है। परिवार का कैसा रिएक्शन रहा? बहुत अच्छा, बेहद खुश थे। उसके बाद मैं गाँव गया, 7 दिन माँ बाबू जी के पास रहा बेलसण में, तो सब खुश थे, अच्छा लगा उन्हें भी, मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू दोस्त। अच्छा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, कुछ अच्छे कमेंट घर से आपको, अच्छी अप्रिसिएशन मिलना बीबी से या अपने फ्रेंड्स से? मेरे कुछ दोस्तों ने फिल्म देखी है, इंटरवल में कह रहे थे यार टैक्स फ्री हो जाए, हर हस्बैंड को देखना चाहिए। नेक्स्ट डे पिक्चर देखने के बाद उनकी बीवियों का फ़ोन आया, क्या दिखा दिया है आपने इनको, ये तो चाय बना रहे हैं सुबह सुबह, पूछ रहे हैं कोई गंदा कपड़ा हो आपका धोने वाला तो दे दीजिए। तो अच्छा रिस्पांस है लोगों का, घरेलू फिल्मों होगा भी अच्छा रिस्पांस। इसमें कुछ दर्शाया नहीं गया है, इसमें सिर्फ बताया गया है कि बॉस सारी दुनियादारी सब कुछ में फंस करके एक बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें रिलेशनशिप में भूल जाते हैं, हम वाइफ के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ, बच्चों के साथ, तो थोड़ा कूल रखो अपने को। आपने इतनी बड़ी-बड़ी मूवीज़ जो करी हैं,
इसमें आपने कुछ अलग रोल करा है? ये बिल्कुल अलग रोल है, ये बिल्कुल ही अलग रोल है। मैं अपने आप को देख के अचंभित हो जाऊंगा, सरप्राइज होगा। जो रोल आपने किया है निभाते टाइम रोल या पिक्चर कंप्लीट होने का, एक बीवी की तरफ या बीवी को लेकर कुछ प्यार या पुराने चाहते हैं? जब से मैंने ये फिल्म देखी है, मैं मेरी जो किरण है, मेरी वाइफ, उसको बहुत प्यार करने लग गया हूँ। हाँ, और अगर आप भी देखेंगे तो अपनी वाइफ को फिर से एक ज़िंदगी देंगे, वो आपको एक ज़िंदगी देगी। कैम कम्प्लीट, कपड़ा सुखाना भी है इसमें, ग्लास में पानी भी है इसमें, शराब भी, खाना भी, सब कुछ है इसमें। कम्प्लीट फैमिली। पंकज एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट है हमारे सामने, हमारे काम करने वालों के बीच में, और उसके आने से एक बड़ी खूबसूरती बढ़ जाती है फिल्म की खूबसूरती, क्योंकि वो बहुत फ्रेश आता है। वो इस फिल्म में भी बहुत फ्रेश लगेगा, वो पंकज इज गुड, तो हम क्यों नहीं उसको कास्ट करें। मैंने ही रिकमेंड किया था कि पंकज को लो, पंकज को लो, पंकज को लो, मतलब अच्छा कुछ देगा। जी, न्यूटन के लिए। न्यूटन के लिए पंकज तुमको अवार्ड मिला है? हाँ, अवार्ड तो बहुत पहले मैं घर पे बोल चुका हूँ उसको, लेकिन यहाँ सामने बोल रहा हूँ कि इतने दिन बाद बर्थडे विश करवा रहा है यार तू। न्यूटन के लिए अवार्ड मिला है उसको, बहुत खूबसूरत काम किया उसने, और ये कोई प्राइवेट अवार्ड नहीं है, ये एक देश के तरफ से दी गई एक उपाधि है, और पंकज को इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि देश ने उसको इस काबिल समझा कि तो देश गुड है। और न्यूटन में मैं भी था, अच्छी फिल्म थी, बढ़िया फिल्म थी, दृश्यम की फिल्म थी, मनीष मुंद्रा ने उसको शुरुआत किया था। मनीष मुंद्रा की एक और पिक्चर मैं कर रहा हूँ कामयाब, आई थिंक उसमें मुझे मिल जाए क्या जी। अभी न्यूटन जो पिक्चर है, जैसे आपने बताया नेशनल अवार्ड मिला था, पहले हाईलाइट नाम राजकुमार का हो रहा था, आगे चलते ही अरे गुरु और पंकज जी को नेशनल अवार्ड दे दिया गया, और ना कि राजकुमार पिक्चर में भी है, क्या कहें भाई। मैं इसमें क्या कहूँ, मैंने तो कोई पासा पलटते हुए ऐसा कुछ सुना देखा ऐसा नहीं। अवार्ड मिला है जिसको उसको रहने दो, वो तो अलग था कि वो पहले वाली बहू ज़्यादा बढ़िया थी, ये वाली बहू तो ज़्यादा वो है, ये तो बातें हैं तो निकलेंगे ही, इसमें बात करने की कोई जरूरत नहीं खास। मेरी वजह से स्पेशली क्यों आएंगे? आएंगे सबकी वजह से, लेकिन मेरी वजह से स्पेशली आ रहे हो तो कम विथ योर वाइफ, योर डॉटर, योर मदर, योर फादर, जितने लोग रिश्ते में हैं, प्लीज़ कम फॉर दैट। मेरे लिए मत आओ, अपने मम्मी पापा के लिए आओ ये पिक्चर देखने, कसम खा के बोल रहा हूँ। थैंक यू। One more, ma'am, yeah? Ma'am, yeah? Absolutely.
जी पहले तो मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ, जितनी बार आपको देखता हूँ मुझे अच्छा लगता है। ट्रेलर यार मैंने पहली बार फिल्म न्यूयॉर्क में देखी जब प्रीमियर हुई थी फेस्टिवल पे, तब से अब तक मुझे इस फिल्म पे बहुत विश्वास है स्क्रिप्ट पढ़ने से। और ये इवन दो इट्स वन एट सो मेनी फेस्टिवल्स, इट्स अ वेरी पॉपुलर जॉनर फिल्म, कमर्शियल बोल सकते हैं आप, क्योंकि संजय मिश्रा जी को जब आप फिल्म में देखेंगे तो तालीमार सिचुएशंस हैं, डायलॉग्स हैं, तो वो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो आज आप फिल्म देखिए और प्लीज़ सब लोग 18 मई कल है, कल से पूरे हफ्ते 19 20 21 22 फिल्म देखिए, आपको पूरे फैमिली के साथ ऐसी क्लीन एंटरटेनमेंट, वार्म एंटरटेनमेंट बहुत समय बाद मिलेगी और आपको मज़ा आएगा। यार ऐसा तो नहीं है, मुझे बहुत फिल्में मिलती हैं, जितनी मिलती हैं उसमें LSD में लव स्टोरी थी, बकरापुर में लव स्टोरी थी, मोना डार्लिंग में भी एक हिंट था, इसमें आउट एंड आउट रोमांस है, और हमारे रोमांस की वजह से फिल्म में बहुत कुछ हो जाता है गड़बड़, और फिर कैसे हम सिखाते हैं, और आई थिंक एज अ यंगर जनरेशन इट्स समथिंग वी कैन गिव टू आवर पेरेंट्स द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस थोड़ा ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, 100 तरीके हैं, लेकिन हाँ मज़ा आता है। और ये उस टाइप का रोमांस नहीं है कि आज प्यार हुआ कल, आज मिले कल प्यार हुआ, ये बचपन का प्यार है, पड़ोसी हैं शिवानी का कैरेक्टर जी, बहुत ही ऑनेस्ट प्योर इनोसेंट लव स्टोरी है और हम सब की कहानी है, तो आप लोग बहुत रिलेट करेंगे। व्हाट आई वुड लाइक टू डू एक्शन यार, आउट एंड आउट एक्शन यार, ट्रेंड ऑल माई लाइफ, अबाउट टाइम आई डू इट नाउ, थैंक यू सो मच, एंजॉय द मैं तो कहूँगी कि बहुत प्यार मिला है, हम पिछले एक हफ्ते से प्रमोट भी कर रहे हैं फिल्म को और सबको ट्रेलर पसंद आया है, और ये ना एक बहुत सिंपल सी कहानी है, साधारण लोगों के बारे में एक साधारण सी कहानी, और इसमें एक बहुत इट्स अ वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग स्टोरी, और मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगी। देखिए ऐसा है कि कहानी तो बहुत रिलेटेबल है, लेकिन शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान में एक मैच्योर कपल को लेके एक लव स्टोरी बन रही है। यूरोप वगैरह में तो ये आम बात है कि लोग मैच्योर कपल्स को लेके कहानियाँ बनाते हैं, लेकिन अरसे बाद यहाँ हिंदुस्तान में एक ऐसी कहानी बनी है, और मुझे लगता है कि बहुत एक इट इज़ अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी, और उम्मीद है कि ऑडियंस पसंद करेगी और लोग देखने आएंगे। ये एक फैमिली फिल्म है, और देखिए मैं अपनी बात कर सकती हूँ, मुझे गुलजार साहब की फिल्में, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में, बासु भट्टाचार्य की फिल्में बहुत पसंद थी, बासु भट्टाचार्य साहब की फिल्में हमेशा बहुत पसंद थी, और ये इस फिल्म में एक उस किस्म का एक अपनापन है, वो फ्लेवर है, तो कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड आई होप कि दर्शक इसे प्यार दें और पसंद करें, मेरे चरित्र को भी, कहानी को भी, और सारे किरदारों को। सर यहाँ पे एक मिनट सर, एक बार और हम लोगों को भी तो चाहिए। अरे फोटो
दोनों मेरे फेवरेट हैं, दोनों मेरे दोस्त हैं, सालों से जानता हूं उनको, और संजय जी तो सीनियर हैं खैर, तो उनके साथ मैं ऑलरेडी एक फिल्म कर चुका हूं, तो और उसके बाद ये भी है, और उनका जितना भी काम है आंखों देखी से लेके अब तक, तो संजय जी की जो मेहनत है, जो इन्वॉल्वमेंट है, जो एक जो नए लोगों को प्रेरणा देने वाली एक एनर्जी जो है, वो बहुत कमाल की चीज़ रही है, तो उसने काफ़ी कनेक्ट किया हुआ है हम लोगों को। अभी मैं नवदीप सिंह की फिल्म कर रहा हूँ, ये कप्तान अभी वर्किंग टाइटल है वो है, उसके बाद कामयाब जो फिल्म है संजय भाई के साथ जो की है वो है, वो आगे सितंबर में रिलीज होगी शायद, तो ये दो तीन फिल्में हैं और मैं देख रहा हूँ। नहीं नहीं, ये मेरी सोच पे नहीं होता है, अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो हम अपनी सोच बना लेते हैं उस हिसाब से, तो हाँ जी 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 पूरा हाँ। अगर सूट करता है तो, अगर उस एज के हिसाब से सूट करता है, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू थैंक यू।